खिलाफ करोड़ों इंसानों का उनकी हमारे बुजुर्गों की गवाही है इस बात पर कि खुदा ताला बात करता है अपने बंदों से प्यार से बात करने वाला, लेकिन यह है कि बंदे को उसके लिए मुजाहदा करना पड़ता है, खुदा का होना पड़ता है, अपनी रजा को उसकी रजा की खातिर कुर्बान करना पड़ता है। वो शराइत अपनी जगह पर है, मैं देख रहा हूँ आपके लिए घड़ी तो, लेकिन करता है बात। मैं बड़े आजिज बंदा हूँ, जब 74 में भोटो साहब ने ऐलान किया कि मैंने ये फैसला कर दिया कि नेशनल असेंबली को कमेटी ऑफ द होल हाउस बना के और वहाँ ये फैसला होगा जमात अहमदिया के मुताबिक, तो उनको मैंने सदर जमात अहमदिया को लिखो, कहा कि इनको लिखो हमारे मुताबिक फैसला होना है तो हमसे भी हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। अरे पहले तो ये किया कि हाँ माजरनामा ठीक है, आप भिजवा सकते हैं, एक हफ्ते से ही कम वक्त के वो माजरनामा हमें मिल जाए, एक हफ्ते से कम से 4 दिन या 5 दिन दिए, वो फिर बिला मुबालगा 24 घंटे एक टीम लगी और मुझे भी कई जागना पड़ता था कि जो उनको मैं हवाले देता था कि इस तरह ये माजरनामा तैयार करो, वो तैयार कर दिया, वो जब भेज दिया तो उन्होंने कहा नहीं एक नहीं चाहिए हमें, हर मेंबर के लिए एक चाहिए और प्रिंट करवाओ और तुम्हारी जिम्मेवारी है कि बाहर ना निकले, और 6-7 दिन के बाद ये हमें इतने पता नहीं कितने 125 या कितने थे इतनी कापियां मिल जाए। एक कापी लिख ही नहीं सकता, 2 कापी नहीं लिख सकते हो इतना बड़ा है, तो मेरे साथ में 18 या 19 मुख्तलिफ रस्म खत में लिखा गया, बाल ऐसे थे जो कातिब भी नहीं थे, बड़े गंदे खत वाले, लेकिन उनसे लिखाना पड़ा पूर्ण वक्त को देना। मैंने उनको कहा मांगना इनसे कुछ नहीं, जो ये कहते हैं करते चले जाते, हम तो खुदा के बंदे हैं, ये इनके जाके सामने घुटने नहीं टेकने के जी हमें कुछ और मरहमत फरमाए वक्त ताकि हम कर। हमने 18 मुख्तलिफ रस्म खत में उसको लिखवा के और वक्त के ऊपर एन मुकर्रा रोज के ऊपर उनको रोक जाता, फिर उनका हम डेलीगेशन ठीक है बुला लेंगे एक शर्त पर, और वो ये कि इमाम जमात अहमदिया वो उसको लीड करें। तो मैंने वो आपके लिए तारीफ अपनी पूरी मुकम्मल की हुई है, मैंने सदर जी का इनको खत लिखो कि हमने डेलीगेशन मुकर्रर किया है, हमारा काम है कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं। तो जवाब है कि नहीं ये हमारा फैसला है, सीटा वहां मैंने कहा कि ये और समझ इतनी है कि एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात कौम की सबसे बड़ी लेजिस्लेचर ने ले लिए हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बन गई लेजिस्लेचर। मैंने कहा कल को ये समन भेज सकते हैं, वारंट भेज सकते हैं, इस वास्ते इनसे ठीक है मजबूर। जो असल बात मैं बताने लगा अब वो ये है, मुझे बहुत फिक्र, बड़ी मैंने दुआएं की रातों को जागा, और खुदा ताला से मैंने कहा कि ये है आपको तेरी मदद के बगैर नुसरत के बगैर तो ये नहीं हो सकता। इनको लिखा ये था कि हमारा लिटरेचर 90 साल पे फैला हुआ है, हाँ फिर ये कि हम वही सवाल करेंगे वही जवाब देना। उनको लिखा कि हमारा जो कुतुब है वो लिटरेचर 90 साल पे फैला हुआ है, कई 100 किताबें हैं, मैंने मेरा ये दावा नहीं कि मुझे वो हिफ़्ज़ है सारी, तो तुम पहले बताओ सवाल हम वो देख के जवाब देंगे कि नहीं हमारा ये फैसला है वही हम सवाल करेंगे वही जवाब। फिर परेशान हुआ दुआएं की, खुदा ताला ने मुझे इल्हामन बताया वसे मकानक इन्ना कफैना कर मुसा दें, यानी जो हमारे मेहमान आते हैं रकबा में उनकी तुम फिक्र करो उनको चलाने की, उसे मकान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम है वो आया, और जो अपनी तरफ से तहकीर का और दलील करने का मंसूबा ये बना रहे हैं उसके लिए मैं कहूँ।